हेलो दोस्तों, ममता स्टिचिंग ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। दोस्तों देखिए, ये मैं एक न्यूबॉर्न बेबी का स्वेटर बना रही हूँ। आप इसको फुल या हाफ जैकेट की तरह भी बना सकती हैं। मैं इसको आगे से ओपन रखूँगी क्योंकि न्यूबॉर्न को पहनाने में आसानी होती है आगे से अगर खुला हो तो। तो ये मैं बेबी वुल जो होता है पतला 3-ply का ऊन, उससे बना रही हूँ। आप कोई भी मनपसंद 2 color लेके उससे बना सकती हैं। मेरे पास थोड़ा थोड़ा बचा ऊन है तो मैं उसको एक न्यूबॉर्न बेबी के लिए बना रही हूँ। तो ये देखिए, मेरे पास एक डार्क बेस कलर और एक वाइट कलर का लेके मैं इसको बना रही हूँ। आप जो भी कलर आपको पसंद आए आप उससे बना सकती हैं। आप चाहें तो इसको मोटे ऊन में भी बना सकती हैं। मैं इसको 9 number की सिलाई से बना रही हूँ क्योंकि मेरा हाथ हल्का सा टाइट है, तो मैं इसको 9 number की सिलाई पे ही, मैंने इस पर 55 फंदे डाले हैं। इसको मैं दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बनाऊँगी। ऐसे फंदा उतारिए और ऊन आगे करके इसको इस तरीके से हम उल्टा उल्टा बेलेंगे। अगर आपका हाथ लूज हो तो आप बेबी वुल जो आता है पतला, बच्चों के लिए आता है, सॉफ्ट होता है, इसको आप 10 number से बिनिए। और अगर आपका हाथ टाइट है तो आप 9 number से बिनिए। तो ये देखिए, इस तरीके से मैं इसको उल्टा उल्टा 8 सिलाई बनाऊंगी ताकि इसमें मेरे ये नीचे बॉर्डर के लिए 4 धारी पड़ जाए। मैं इसमें कोई दूसरी सिलाई नहीं लगाऊंगी। मैंने 9 number की सिलाई पे फंदे डाले हैं। मैं 9 number की सिलाई से ये 8 सिलाई बनाने के बाद ऊपर की भी बिनाई इसी से करूंगी। आपको अगर बॉर्डर बनाना है तो आप नीचे थोड़ा सा बॉर्डर भी बना सकती हैं। मैं थोड़ा सा ढीला ढीला रहने के लिए दोनों तरफ से इस तरह से उल्टा उल्टा बना रही हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें मेरा 55 फंदा है और मैं इस तरीके से 8 सिलाई दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बिन लूँगी। तो बॉर्डर तैयार करने के बाद हम इसमें हल्की सी डिजाइन डालेंगे जो बिगनर्स भी बना सकें। बेसिकली मैं ये बिगनर्स के ही लिए बता रही हूँ जो बिनाई सीख रहे हैं, जिनको बनाने में आसानी हो। तो ये न्यूबॉर्न बेबी का मैं कार्डिगन नुमा स्वेटर बनाऊँगी। आप इसको हाफ बनाइए या फुल, ये आपके ऊपर है। मैं आपको इसकी डिजाइन बताती हूँ। पहले मैं इसको 8 सिलाई बना लेती हूँ। तो इस तरीके से मैं 8 सिलाई का बॉर्डर इस पर बनाऊँगी। ये देखिए, ये मेरी 8वीं सिलाई कंप्लीट होने वाली है। तो मैं लास्ट वाले फंदे के लिए ये दूसरा कलर इसमें लगा दूँगी। आप जो भी कलर पसंद करें, कोई भी 2 color जो आपको पसंद हो उसको आप लीजिए। और ये देखिए इस तरीके से ये। अब यहाँ मैं कोई फंदा नहीं बढ़ाऊँगी, ऊपर भी मेरे इतने ही फंदे रहेंगे और इसी को मैं ऊपर बीनूंगी। मैंने टोटल नीचे जो 55 फंदे रखे हैं उसी को मैं ऊपर बीनूंगी। तो सबसे पहले मैं 2 सिलाई सादा सीधा उल्टा बना लेती हूँ। इस तरीके से सीधा उल्टा, जैसे हम बिनाई करते हैं सादा, सीधी तरफ से सीधी बिनाई और उल्टी तरफ से उल्टी बिनाई। तो इसको हम इस तरीके से पहले 2 सिलाई बिन लेते हैं। ये देखिए, इस तरीके से मैंने 2 सिलाई सीधा उल्टा बना लिया। ये देखिए, यहाँ पे 55 फंदे न्यूबॉर्न बेबी के लिए भी ज़्यादा हैं, लेकिन थोड़े से इसको ढीले रखने के लिए हमने इस पर 55 फंदे रखे हैं। आप यहाँ पे हल्की सी एक डिजाइन मैं डालूँगी। आप चाहें तो धारी धारी भी बना सकती हैं। अगर आपके पास बचे बचे 2-3 color के ऊन है तो आप इसको लाइनिंग लाइनिंग करके बना सकते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर 3 white और 1 ये dark color मैंने 3 white और 1 dark, इस तरीके से मैं ये पूरी सिलाई बना लूँगी। ऐसे ये पूरी सिलाई मैं इसी तरीके से बना लूँगी। बिल्कुल सिंपल, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। बिगिनर्स जो आसानी से बिन सकें उनके लिए मैंने सिर्फ हल्की सी ये डिजाइन रखी है ताकि उनको समझने में आसानी हो। इसमें कोई डिजाइन नहीं है। ये देखिए, इस तरीके से
ये, और लास्ट में मेरे तीन वाइट बच गए ये। अब इस ऊन को मैं लास्ट में ऐसे फंसा के यहाँ पे कवर कर दूँगी। अब ये देखिए मेरी ये जो बिनाई है वो सीधी सिलाई में जाके ख़त्म हुई है। नीचे मैंने दो सिलाई सीधा उल्टा बिना है, अब मैं फिर दो सिलाई वाइट का बनाऊंगी, लेकिन इस बार उल्टा और सीधा, फिर उल्टे तरफ से हमारा, क्योंकि ये दोनों ऊन हमारा उल्टा तरफ है, तो मैं पहले इसको उल्टी सिलाई बनाऊंगी इस तरीके से, और फिर सीधी सिलाई, ये पूरी सिलाई उल्टी और सीधी मैं इसको बिन लूँगी। ये देखिए अब मेरा लास्ट आ गया है। नेक्स्ट हमें फिर ये डार्क कलर लगाना है, तो जब भी हमको अगली सिलाई में ऊन चेंज करना होता है तो लास्ट वाले फंदे को हम उस डार्क वाले कलर से, या जो भी कलर आपको लगाना है अगली सिलाई में, उससे हम बिन देते हैं, क्योंकि जब हम पहला फंदा उतारते हैं तो फिर हमारी बिनाई जो है वो बिगड़ती नहीं है, किनारों से एकदम क्लियर आती है। अब इस वाइट को हम छोड़ देंगे, फिर दो सिलाई में इस डार्क वाले ऊन से बनाऊंगी उल्टा और सीधा, क्योंकि उल्टी तरफ हमारा ये ऊन है तो हमारा जो ये बिनाई का जो सिलाई काउंट हो रहा है वो उल्टे तरफ से हो रहा है। तो ये उल्टा और सीधा, फिर मैं दो धारी वाइट से बीनूंगी, फिर मैं आठ सिलाई डार्क से बीनूंगी, फिर मैं आठ सिलाई वाइट से बनाऊंगी। तो ये देखिए उल्टा हो गया, अब ये सीधा में आके मेरा ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर मैं वाइट लगाऊंगी, वाइट से मैं आठ सिलाई बनाऊंगी, फिर मैं इसको बनाऊंगी। तो इतना मैं कर लेती हूँ पहले। ये देखिए ये मेरी आठवीं सिलाई जा रही है यहाँ पे। तो अब मैं यहाँ पे फिर डार्क कलर लगाऊंगी, चेंज करूँगी। तो यहाँ देखिए इस तरीके से मैंने कलर चेंज कर लिया। ये याद रखिएगा कि यहाँ ऊपर जो नीचे से ही ये ऊन लगा हुआ है, तो यहाँ पे ये ऊन ढीला रहे, नहीं तो फिर एक तरफ की बिनाई जो हमारी है वो टाइट हो जाएगी। तो ये ऊन यहाँ पे जब हम यहाँ पे जोड़ रहे हैं अगली सिलाई में, तो ये ढीला रहे। अब देखिए यहाँ पे फिर ये दो सिलाई, फिर मैं ये बनाऊंगी डार्क कलर से उल्टा और सीधा, फिर दो सिलाई वाइट, और फिर ये ड्रॉप वाली डिजाइन में डालूंगी। तो अब इसको पहले फिर दो सिलाई डार्क और दो सिलाई लाइट का मैं बना लेती हूँ इस तरीके से। ऐसे पहले दो सिलाई डार्क उल्टा और सीधा, फिर दो सिलाई लाइट उल्टा और सीधा, इस तरीके से अब मैं ये सिलाई बना लेती हूँ। ये देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया, आठ सिलाई है, फिर दो सिलाई है, दो सिलाई है, डार्क और लाइट मेरी ये कंप्लीट हो गई। अब फिर उल्टे तरफ से हमारी ये वाली डिजाइन पड़ेगी। स्टार्टिंग में मेरे वही जैसे लास्ट हुआ था, तीन हमारे ये लाइट कलर रहेंगे और एक डार्क। ऐसे यहाँ से इसको थोड़ा सा ढीला, क्योंकि ये ऊन नीचे से आ रहा है, फिर तीन लाइट और एक डार्क, इस तरीके से ये वाली सिलाई भी हम कंप्लीट कर लेंगे। आपको अगर ग्राफ पैटर्न कुछ भी बनाने आता है तो आप यहाँ पे कोई भी डिजाइन डाल सकती हैं। ये बहुत इजी डिजाइन है, प्लेन धारी धारी आप चाहें वैसे भी बना सकती हैं। मैंने इसमें थोड़ी सी चेंजिंग कर दी है, क्योंकि मेरा डार्क कलर थोड़ा कम है, तो मैं इसमें लाइट कलर लगा के इस स्वेटर को बना रही हूँ। बॉर्डर मेरा और ये साइड का जो है ये सब मैं डार्क से बना रही हूँ, इसलिए क्योंकि छोटे बच्चों का जो है गंदा बहुत जल्दी होता है, तो बॉर्डर वगैरह अगर डार्क रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप इसको रेड एंड ब्लैक में भी बना सकती हैं, दोनों कलर डार्क है लेकिन दोनों कलर हमेशा ही पसंद किए जाते हैं। पिंक एंड वाइट, स्काई ब्लू एंड वाइट, कोई भी कलर आपको जो पसंद आए, आप उसमें स्काई ब्लू और पिंक, आपका अपना पसंद है कि आप क्या कॉम्बिनेशन रखती हैं, एक डार्क एक लाइट भी अच्छा लगेगा। एक फंदा कहीं ये देखिए लास्ट में ये मेरे फिर तीन बच गए, और ये ऐसे मैं यहाँ फंसा के इसको लास्ट कर दूंगी। अब फिर मैं वही देखिए इधर से फिर दो सिलाई वाइट बिनूंगी,
फिर दो सलाई डार्क और फिर आठ सलाई, ये हमारी अब ये सीधे तरफ से काउंटिंग होगी। तो इसको हम अब वाइट पिन लेंगे टोटल सीधा उल्टा, क्योंकि अब ये सीधे तरफ से हो गया है तो इधर से कोई दिक्कत नहीं है काउंटिंग करने में। अब ये सीधा उल्टा दो सलाई हमारा लाइट जाएगा, फिर हम डार्क से बिनेंगे। देखिए इस तरीके से, ये देखिए ये बिल्कुल इजी सा पैटर्न है। यही चीज़ फिर मैं रिपीट करूँगी, ये आठ सिलाई मैं फिर लाइट कलर से बना के फिर यही चीज़ करूँगी। ये लंबाई में करने के बाद फिर इसको घटाना मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। और अगर आपको ये आता है तो आप इसको अपने हिसाब से बना सकती हैं, जैसा भी आपको पसंद आए। तो ये देखिए न्यू बॉर्न बेबी का है, तो मैं इसमें 5-5 फंदे दोनों साइड से घटाऊंगी और शोल्डर पे 15 या 16 फंदा जो एडजस्ट हो वो मैं रखूंगी। तो देखिए मुझे उम्मीद है कि ये आपको डिज़ाइन पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये डिज़ाइन पसंद आए तो आप इसको लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मैं आपको इसके आगे की डिज़ाइन अगले वीडियो में बताऊँगी। धन्यवाद।